सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने के मामले में नवलगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी करण पाल उर्फ किरण सिंह और सौरव श्रीवास्तव को दिल्ली NCR से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना नवलगढ़ में थाना क्षेत्र के नवलडी गांव के निवासी विकास कुमार जाट ने रिपोर्ट पेश की थी कि यूपी के एक व्यक्ति किरण के द्वारा उसको रांची में सेना में भर्ती करवाए जाने का विश्वास दिलाया गया। उसके विश्वास में आकर विकास अपने 5 मित्रों अनिल, रविंदर, मनोज, आनंद, रविंदर पुत्र अमीचंद के साथ मार्च में उसके बताए अनुसार संपर्क किया और उसे अलग अलग माध्यम से 28 से 29 लाख रुपए उसके बताए अनुसार दे दिए। उसके बाद उसने एडमिट कार्ड व अपॉइंटमेंट लेटर उपलब्ध करवाए, परंतु नौकरी नहीं लगवाई और नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान उप निरीक्षक कंचन के जिम्मे करते हुए ठगों की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी सुनील शर्मा के द्वारा तत्काल ही टीम का गठन किया गया। टीम को दिल्ली NCR की ओर से उपलब्ध सुराग के आधार पर रवाना किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी आधार पर अनुसंधान करने के बाद सौरव श्रीवास्तव निवासी शिव बिहार दिल्ली को 2 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद गठित टीम के द्वारा आगे अनुसंधान और कार्रवाई करते हुए दोबारा दिल्ली से एक और अन्य सातिर ठग किरण पाल उर्फ किरण सिंह निवासी औरंगपुर मीरपुर यूपी को दिल्ली से दस्तयाब कर रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको भी न्यायालय में पेश किया और रिमांड प्राप्त किया। हमारे पास 30 अगस्त को नवलगढ़ थाने पे एक नवलडी गांव का विकास कुमार करके लड़का है, उसने एक FIR दर्ज कराई थी कि यूपी के किरण नाम का व्यक्ति है, उसने उसको रांची में सेना में भर्ती करवाए जाने का विश्वास दिलाया। तो उसके विश्वास में आके उसने और उसके 5 मित्र अनिल, रविंद्र, मनोज, आनंद और रविंद्र पुत्र अमीचंद ने मार्च में उस ठग के बताए अनुसार उसके संपर्क में आके और तकरीबन नौकरी लगने के नाम पे 28 से 29 लाख रुपए उसके बताए अनुसार उसको दे दिए। और पैसे देने के बाद में उसने उसको एडमिट कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर उपलब्ध करवाए, परंतु नौकरी नहीं लगवाई। इस प्रकार से उसके साथ में धोखाधड़ी हो गई। थाने पर जब ये रिपोर्ट प्राप्त हुई तो इसके पश्चात हमने प्रकरण को दर्ज किया 446/2021, 420/406, 120 मैटर को दर्ज किया। दर्ज करके अनुसंधान श्रीमती कंचन सब इंस्पेक्टर के नाम किया गया। तुरंत ही टीम गठित की गई और आरोपियों के जो भी तकनीकी साक्ष्य है वो केवल नाम ही जानता था, विकास केवल नाम ही जानता था, तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दबिश करने के लिए हमने दिल्ली टीम रवाना कर दी। ये जो टीम गई थी इसने तकनीकी रूप से अनुसंधान करने के बाद में एक सौरभ श्रीवास्तव निवासी शिव विहार जो लड़का है उसको चिन्हित किया और उसको पूछताछ के आधार पे दिनांक 2/9 को गिरफ्तार कर लिया और उसको कोर्ट में पेश किया। तो कोर्ट ने उसका 8 दिन का हमारे को रिमांड दिया। उसका रिमांड लेने के बाद में उससे और पूछताछ करने के बाद में एक दिल्ली से एक और जो जिसका नाम FIR में भी है, किरण पाल उर्फ किरण सिंह जाति जाटव निवासी औरंगपुर मीरपुर, उसको भी दिल्ली से दस्तयाब किया और 5 तारीख को आज हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको भी हम कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड प्राप्त करेंगे। इस मामले के जो अनुसंधान अधिकारी है उन्होंने जो अनुसंधान किया उसके अंदर अभी तक प्रारंभिक रूप से ये तथ्य सामने आए कि ये सौरभ श्रीवास्तव था, ये भारत में विभिन्न राज्यों के युवाओं से अलग अलग संपर्क करता था और उनको वे उनके संपर्क में जो अन्य बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी दिलवाए जाने का अपनी बातों से विश्वास दिलाता था और विश्वास में लेने के लिए उनको पहले से अन्य लोगों को नौकरी दिलवाए जाने के संबंध में उनके नियुक्ति पत्र दिखाता था और उनके अन्य प्रोसेस में चल रहे लोगों के एडमिट कार्ड और मेडिकल के कॉल लेटर दिखाता था और फोन से निरंतर संपर्क में रहकर नौकरी के लुभावने सपने दिखाकर उनका ब्रेन वॉश कर लेता था और जब टारगेट किया गया युवा उन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता था तो उनको उनके साथ में अन्य नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भी पैसे देकर नौकरी लगवाए जाने के लिए विश्वास में लेता था और उनको इस्तेमाल करके 2 से 15 तक के युवाओं का एक ग्रुप तैयार करवा लेता था। इसके बाद में सबको ग्रुप वाइज दिल्ली बुलाया जाता था इनके द्वारा, ठगों के द्वारा, और किसी होटल में डॉक्यूमेंट को देने का बहाना करके बुलाया जाके डॉक्यूमेंट चेकिंग की कार्रवाई का दिखावा करके जो अमाउंट तय किया जाता था उसकी फर्स्ट किस्त ये प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद में दोबारा मेडिकल करवाए जाने के नाम पे दिल्ली या रांची में बुलाते थे
वहां पर ये उनका फर्जी तरीके से एक मेडिकल का आयोजन करते थे लिखावट टाइप से और उनसे दूसरी किस्त प्राप्त करते थे। इसके बाद में जब बेरोजगार युवा इनसे संपर्क करते थे तो ये कुछ समय लेते थे और प्रक्रिया को जल्दी निष्पादित